नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सिवान शहर में रिनवा मोड़ पे एक इंस्टीट्यूट खुल चुका है जिसका नाम है बॉस आर्मी कोचिंग सेंटर। यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है जिसमें कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और भी कुछ बच्चे यहाँ पे हैं, कुछ ट्रेनिंग कर रहे हैं और कई जिलों से आए हुए हैं यहाँ पे और ये लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। इनसे हम कुछ सवाल करते हैं कि कैसे इन्होंने अपने लक्ष्य को निर्धारित करके बॉस आर्मी कोचिंग सेंटर में आकर अपना ट्रेनिंग कर रहे हैं। जी, आपका नाम क्या है? नीरज कुमार। आप अपने बारे में बताइए कि आप बॉस आर्मी कोचिंग सेंटर में आपको अच्छा लगा और यहाँ पे आए। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम तो मस्तक से आए। मस्तक जिला बिहार से जी। और यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं? कितने दिन से ट्रेनिंग कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? मतलब हम लोग वहाँ से यहाँ पे आए हैं, लमसम एक हफ्ता हुए हम लोग। अच्छा, वहाँ से यहाँ पे आए हैं, एक हफ्ता हुआ आप लोगों को। तो क्या क्या आप डाइट में क्या कर रहे हैं? अपना कितना आप लोगों को मतलब डाइट करने का प्लान मिल रहा है? कितने बजे मॉर्निंग में उठ जाते हैं और रनिंग करना शुरू करते हैं, प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं? हम लोग 4 बजे भोर में उठते हैं और बाथरूम जाते हैं और हम लोग फ्रेश होते हैं। उसके बाद 4:30-5 बजे करीब में हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं रनिंग के लिए। उसके आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम आशुतोष सिंह है, मेरा घर सिवान में ही है। जी जी, क्या बनना है आपको? मेरा शुरू से ही टारगेट था वो आर्मी था। आर्मी बना, सपोर्ट मिला जी। और हमने बहुत आर्मी को कहाँ तक अपने एजुकेशन किया, कहाँ तक किया है? 10+2 किए हैं, उसके बाद से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। हाँ, और उसके बीच में आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं? प्रैक्टिस मतलब शुरू तैयारी कर रहे हैं। आपको आर्मी में जाना है जी? घर का भी सपोर्ट। आर्मी में कहाँ, मतलब किस पद पे जाने के लिए आपको? हमको पारा कमांडो पद तक जाना है। पारा कमांडो के लिए? पारा कमांडो तो बहुत ही हार्डली होता है, मैंने सुना हुआ है, और बहुत मतलब। तो उसके लिए कितना आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना प्रैक्टिस? जो हम लोग का ट्रेनर है, कमांडो ट्रेनर कराते हैं, जिस हिसाब से वो लोग कराते हैं वैसे हम लोग करते हैं। उसके बाद पारा कमांडो भी क्या आप मतलब कुछ ऐसे एक्टिविटी कर सकते हैं जो कि अभी मतलब और बाकी लोग ना करें? कुछ ऐसा एक्टिविटी आपके पास? देखिए, अब हम कितने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने दिन से अभी अभी आप यहाँ पे हैं? अभी हम लोग का मेन जो लक्ष्य है आर्मी में जाना है। अच्छा, उसमें से जो ट्रेनिंग में जो सबसे हार्ड ट्रेनिंग होगा जो हम उसमें से चुन कराएंगे। एक बार में मतलब पुशअप कितना करते हैं एक बार में? पुशअप 30-40 मार देते हैं हम। तो मार देते थोड़ा यहाँ पे, यहाँ मारिए। तो ये देखिए, ये जो इनका नाम है आदर्श कुमार, आशुतोष सिंह सॉरी, ये पारा कमांडो में जाने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल आर्मी में जाएंगे और आर्मी में जिसका सिलेक्शन होता है उसके बाद वो पारा कमांडो में जाते हैं। आई एम राइट? यही सही बात है ना? तो आप थोड़ा दिखाइए क्योंकि बाकी बच्चों के लिए। आइए, जो आप लोग चारों जन मारिए, चलिए चारों जन आप लोग मार सकते हैं। ये सर हमारे ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप इनको सही तरीके गाइडलाइंस करें। जी सर, आपका नाम क्या है सर? राजकुमार। राजकुमार, तो आप ट्रेनर हैं यहाँ पे? ओके, तो आप थोड़ा जैसे सर हैं आप लोग, सही थोड़ा सा जी लो जी स्टार्ट। तो आप लोग तो स्टार्ट, तो सभी सिवान वासियों से मैं नम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग देख सकते हैं बॉस आर्मी कोचिंग सेंटर के जो स्टूडेंट हैं, जो यहां पे ट्रेनिंग करने आए हुए हैं, वो लोग पुशअप लगा रहे हैं। ये जो बीच में हैं ब्लैक टी शर्ट पहने हुए हैं, ये इनका ट्रेनर है, और भी एक ट्रेनर है जो अभी फ़िलहाल में नहीं है, लेकिन अभी ये चारों जन बच्चे जो स्टूडेंट हैं कई जिलों से आकर यहाँ पर ट्रेनिंग करें, कोई नवादा, कोई बिहार शरीफ या कोई सिवान जिला से यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है, और यहाँ पर काफ़ी अच्छा मतलब फील्ड जैसा है और ट्रेनिंग करने का माहौल यहाँ पे है। तो मैं बता दूं कि ये जो बैच है जल्द ही जल्द शुरू मतलब किया गया है और भी इसके बाद क्लास किया जाएगा यहाँ पे, क्लास भी किया कराया जाता है, प्रैक्टिकल तो भी हो रहा है और थ्योरी क्लास भी चलता है। तो ये सर कौन सा पुशअप क्या है ये सर? ये पुशअप से क्या फ़ायदा है सर? चिनअप के लिए फायदा करेगा। अच्छा अच्छा, चेस्ट निकलेगा। जी जी, अच्छा होगा, इससे चेस्ट बनता है। आपका नाम क्या सर? राजकुमार सर। आप यहाँ ट्रेनिंग देते हैं? जी सर। आपका आप क्या है मतलब, कहाँ तक आपका रेजिग्नेशन क्या है, आप मतलब क्या कर चुके हैं, कहाँ तक जा चुके हैं, या फ्यूचर में क्या मतलब अभी है, फिलहाल में प्रेजेंट में क्या है आप?
फ्यूचर में हम भी तैयारी करते हैं आर्मी सोल्जर में जाने के लिए। अच्छा, अभी तैयारी करते हैं। बच्चों को मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ। ट्रेनिंग भी देते हैं आप, मतलब आप ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस आपको है तो आप ट्रेनिंग भी देते हैं, और आपका भी मकसद वही है, लक्ष्य वही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर समीर मिश्रा। आप कहाँ से? आप, मैं सर मसरक से। सॉरी, मसरक मसरक से। अच्छा, मसरक से। आप कहाँ से? आयुष सिंह, मसरक। मसरक से है जी। तो आपको क्या मकसद है? इंडियन आर्मी बनना है। ये नवादा मसरक सारण। अच्छा, वही क्या मतलब ये टैग मिला हुआ है? यहाँ का अभी टैग नहीं मिला, बॉस आर्मी कोचिंग सेंटर का। हम लोग का प्रॉपर एडमिशन पहले से हुआ, प्रॉपर एडमिशन पहले से, अब न्यू एडमिशन होगा यहाँ पे। यहाँ पे मतलब वहाँ से हम बैच उठ के आए हैं, तो मतलब यहाँ पे लोग अब जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे। अच्छा, तो क्या जो नए युवा हैं, जो नए युवा मतलब जाना चाहते हैं इस फील्ड में, आर्मी में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, पैरा कमांडो बनना चाहते हैं, या और भी मतलब सोल्जर बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या आप लोग का एक मोटिवेशन स्पीच क्या रहेगा आप लोग में से, उनके लिए क्या एक संदेश देना चाहते हैं आप लोग? देखिए, एक एम है, जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है, जिसको देश से प्रेम है वो देश प्रेम करेगा। वो तो बात सही है, लेकिन जो मतलब प्रैक्टिस जो कर रहा है, जो जिसको जाने का मतलब इच्छुक है, माइंड में कॉन्सर्न है कि हाँ मुझे जाना है, तो उसके लिए क्या संदेश? वो कब मॉर्निंग में उठे, क्या तैयारी करे, कितना पढ़ाई करे, कितना बॉडी में फिट करे, ये क्या मतलब कितना जरूरी है? हम लोग का जो ट्रेनर है जी, वो यही बताते हैं कि कभी हार नहीं मानना है जी, और ना मानने की जज्बा से जो होता है होगा जी जी, कभी हार नहीं मानना चाहिए। जो हम लोग का ट्रेनर है यही बताते हैं। हम लोग से ज़्यादा जो दौड़, थोड़ा आप लोग और क्या करते हैं, थोड़ा वहाँ पे वो बीम चलिए, खींच थोड़ा दिखाइए एक बार बीम करके। बीम तो ये कर लेंगे। तो अभी देख सकते हैं आपका नाम? समीर मिश्रा। आपका नाम? आशुतोष सिंह। ये दोनों जन जो आर्मी सोल्जर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी आप लोग क्या मार रहे हैं? बीम। तो आप लोग देख सकते हैं, तो टेक्निक बताइए आप लोग, आस्ते आस्ते करिए ताकि और भी बच्चे जो देखें वो अपना सीख सकें। तो आप लोग स्टार्ट। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये बीम खींच रहे हैं, और इससे फ़ायदा क्या होता है सर? और जो हमारे सामने ये ट्रेनिंग दे रहे हैं ये सर, अब जैसे कि जो सामने ट्रेनर हैं वो अप और डाउन बोल रहे हैं, तो जो मतलब अप बोल रहे हैं तो वो लोग ऊपर उठ रहे हैं, और डाउन बोल रहे हैं तो नीचे उठ रहे हैं। तो मतलब ये जो पांच कहीं मतलब था, पांच में ही मारना ही था, ठीक है? तो और तो मैं बता दूं आप सभी को कि आर्मी में सिर्फ दो ही चीज़ होता है, एक पुशअप होता है और एक रनिंग होता है, और एक बीम होता है। बीम और रनिंग होता है, दो ही चीज़ होता है। बीम और रनिंग होता है, और पुशअप नहीं होता है जी? नहीं, आर्मी में दो ही चीज़ होता है, ये बीम और रनिंग। लेकिन पुशअप अपने के लिए फायदे के लिए कर, दूसरे बाल आर्मी में सिर्फ इससे मतलब क्यों इसी में मैरिट बनता है? नहीं नहीं, पढ़ाई भी है, रिटर्न भी है, रिटर्न भी है, मेडिकल भी होता है, मेडिकल भी होता है। और ये घुटना जैसे क्या होता है ये सब का? ये इसमें मांग होता है क्या? जाए तो स्टार्ट करो पूरा। आपके पास ये मैगनी है तो ये एक ही है, एक ही कैसा है? इसके इस अच्छा, एक मिनट खड़े। तो आप देख सकते हैं ये जो सही मतलब जो है नौकनी है इन लोग का, क्या बोलते हैं, नौकनी इन लोग का नहीं है। और मेन चीज़ यही देखा जाता है आर्मी में या किसी भी मतलब सर्विस में, गवर्नमेंट जॉब में या सोल्जर में, जब भी जाते हैं बॉर्डर में कोई भी जा रहा है अगर, तो उसमें ये देखा जाता है, ये बहुत मायने रखता है। तो इसका ध्यान में रखते हुए थोड़ा आप लोग रनिंग थोड़ा करके ना, थोड़ा सा रनिंग करके वहाँ पे चार ओर देना ये। और ये रनिंग कैसे करते हैं थोड़ा आप लोग बताइए कि रनिंग कैसे करते हैं थोड़ा सा? तो आप देख सकते हैं ये लोग रनिंग कर रहे हैं लोग, ठीक है? और रनिंग करने का ये तरीका बता रहे हैं जो हमारे सामने ट्रेनर हैं, और ये हस, हस, हस।
तो ये लोग जो रनिंग कर रहे हैं, मतलब जैसे ये लोग अप डाउन कर रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, तो ये जो जमीन को छू के जा रहे हैं, क्योंकि छू के जाना इससे क्या होता है, बॉडी शेप ना बढ़ेगा और इनका जो ट्रेनर है वो मतलब अच्छी तरीके से ट्रेनिंग करा सकते हैं। तो मैं बात करूंगा अब कुछ, तो ये जो रनिंग कर रहे हैं इससे क्या होता है कि बॉडी हीट होता है और स्टेप बढ़ाते हैं लोग, धीरे धीरे स्टेप बढ़ता है और फोकस जाता है और हम स्टेमिना बढ़ता है, आई एम राइट। तो अभी आप लोग मॉर्निंग में दो चीज कितना क्या क्या करते हैं लोग, रनिंग करते हैं लोग, एक्सरसाइज करते हैं लोग, मतलब बॉडी फ्री करते हैं लोग, और उसके बाद रनिंग करते हैं लोग, उसके पुशअप करते हैं लोग, बस सपाट सपाट इसको बोलते हैं, ये सपाट बोलते हैं, इसको बीम बोलते हैं, और रनिंग करते हैं और एक्सरसाइज बॉडी फ्री, पहले तो बॉडी फ्री करते हैं। डाइट में क्या करते हैं आप लोग, डाइट में मॉर्निंग में कुछ मतलब क्या अभी क्या करेंगे, चना मीठा खाएंगे आप लोग, बादाम बादाम खाएंगे, फिर नाश्ता कब करते हैं आप लोग, ये नाश्ता हो गया, नहीं नहीं सर ये मतलब हाँ नाइन ओ क्लॉक में सर नाश्ता करते हैं, और डिनर कब, लंच कब करते हैं, 1 o'clock, और डिनर शाम 9 o'clock, शाम को कुछ खाते हैं नहीं, शाम को भी आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, 5 बजे से रनिंग करते हैं लोग, अच्छा अच्छा चलिए ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा कि आज जो भी आज के दौर में कुछ भी सिवान शहर में अगर कोई भी लड़का लड़की अगर जाना चाहता है आर्मी में या मतलब गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है, तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पे बॉस आर्मी कोचिंग सेंटर में आप लोग आके एडमिशन ले सकते हैं, जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए, मैं इसके बारे में बता दूँ। सो चलिए आप लोग बाय करते हैं, ठीक ना, आप लोग प्लीज़ इसी तरह लक्ष्य को बनाइए और देश को नाम रोशन कीजिए। तो मैं चलता हूँ आगे, आइए और आप देख सकते हैं ये ग्राउंड है आप लोगों का, ये ग्राउंड है, यहीं पे बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है, और ठीक है ना, इसके बारे में बताऊंगा थोड़ा सा कि यहाँ पे कौन कौन सा मतलब लोग हैं। अब हमारे सामने जो ट्रेनर है ये अपने संस्था के बारे में, अपने कोचिंग सेंटर के बारे में बताएंगे, आर्मी कोचिंग सेंटर यानी बॉस आर्मी कोचिंग सेंटर के बारे में बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या एबिलिटी है। हमारे बॉस कोचिंग का संस्था 5 संस्था जो चल रही है। जी जी, कहाँ कहाँ पे चल रही है? मेन संस्था जो है जो मशरख नवादा में जो है। जी जी। दूसरा ब्रांच हाजीपुर। अच्छा। तीसरा ब्रांच रांची। हाँ। सिवान ब्रांच जो है आपका जो देख रहे हैं आप रेनुआ में है। जी, रेनुआ मोड़ पे ही है। जिसे जो फोर क्लास जो खुलने जा रहा है जो वेस्ट बंगाल में खुलेगा, वेस्ट बंगाल में, इसके डायरेक्टर का नाम क्या है सर? मुन्ना सिंह सर जो है, डायरेक्टर मुन्ना सिंह है, जो सिवान रेनो ब्रांच के जो ब्रांच मैनेजर हैं आदित्य राज जी हैं। इनका मोबाइल नंबर आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, 9472412782, इन पे कॉल कर सकते हैं। और सर आपका घर कहाँ हुआ सर? मेरा घर एकमा पड़ेगा सर। एकमा? जी जी जी। तो क्या आपके संदेश क्या रहेगा हमारे बच्चों के लिए, हमारे सिवान के लिए? बच्चों को सिवान के लिए संदेश यही रहेगा कि जितना भी युवा साथी हमारे जो है जल्द से जल्द आकर बॉस आर्मी ज्वाइन करें। हाँ। और जो भी बच्चे को अपना जाना चाहता है आर्मी में जो ज्वाइन करना चाहता है तो जल्द से जल्द आकर नामकरण अपना प्रारंभ करें। चलिए थैंक यू। तो दोस्तों आपने देखा कि बॉस आर्मी कोचिंग सेंटर में ये इसका ब्रांच खुल चुका है, सिवान ब्रांच नेशनल पब्लिक स्कूल के कैंपस में, यानी रेनवा मोड़ के पास ही सिवान जिला में ये ओपन हुआ है। और बॉस आर्मी कोचिंग सेंटर यहाँ पे सफल ब्रांच का नाम नवादा मशरक, मशरक में मेन इसका ब्रांच है और वहीं से ब्रांच फैलता जा रहा है। और ये ब्रांच हर जगह मतलब अवेलेबल है, मलमलिया, हाजीपुर और भी कई जगह है। और ये ब्रांच मैं बता दूँ कि इसका ब्रांच जल्द ही न्यू बैच खुलने वाला है कोलकाता एवं रांची में। तो मैं चाहूँगा कि अगर सिवान में कोई भी लड़का अगर आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, सोल्जर में जाना चाहता है तो वो लोग यहाँ पे बॉस आर्मी कोचिंग सेंटर में आकर अपना एडमिशन कराएं, नामांकन कराएं और जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं। कर्म ही धर्म श्रद्धा जीत, आपका कर्म हमारा दिशा निर्देश, हम दोनों की सफलता, मतलब इस बॉस का एक, ये बॉस आर्मी कोचिंग सेंटर का एक टैग लाइन है कि आपका कर्म और हमारा दिशा निर्देश, हम दोनों को सफलता है। तो आपकी सफलता में इनकी सफलता का राज है। तो ये ब्रेव मतलब क्या होता है सर? बहादुर होता है। और ये क्या है? ओबडियंट। ओबडियंट मतलब क्या होता है? आज्ञाकारी। स्ट्रांग मतलब मजबूत। सोल्जर मतलब सैनिक। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जो सोल्जर मतलब आर्मी में जो होना चाहते हैं ये सारा चीज़ अवेलेबल होना चाहिए। तो मैं बता दूं कि इस आर्मी कोचिंग सेंटर यानी बॉस आर्मी कोचिंग सेंटर का लक्ष्य और इसका डेजिनेशन
क्या है, इसका मोटिवेशन क्या है, जो भी बच्चे यहाँ पे आते हैं उनको सही तरीके से गाइडलाइंस करना, उनको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेव, ब्रेव मतलब बहादुर, ऑब्डिएंट मतलब आज्ञाकारी, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, सोलर मतलब सैनिक, मतलब जो भी यहाँ पे लड़का आएगा उसको बहादुर बनाना है, उसको आज्ञाकारी बनाना है और स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत बनाना है और लास्ट में उसको सोल्जर बनाकर एक बेस्ट लेवल पे पहुंचाना है। तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, अपना नामांकन करा सकते हैं। और तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लास भी कराया जा रहा है, थ्योरी क्लास कराया जा रहा है, जिसमें कि आर्मी में जाने के लिए जो प्रिपरेशन चाहिए वहाँ पे भी ये चीज़ यहाँ कराया जा रहा है। तो जो बच्चे हैं, जो टीचर हैं सामने, वो पढ़ा रहे हैं। और ये भी कौन सा बैच चला रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं आप? जीएस और जीके, क्या पढ़ा रहे हैं आप अभी? अभी जीके जीएस चलेगा, उसके बाद एक घंटे के बाद मैथ भी चलता है। मैथ चलता है, मतलब इसमें ये लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, तो आर्मी में क्या क्या सब्जेक्ट चाहिए? इसमें सब जगह से सब पूछता है, सब जगह सब पूछते हैं। आपका नाम?